आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलकर ही आगे ले जाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज दोपहर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के सेहत वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मालदीव और श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वियतनाम के सदर न्यूगिन शुआन फुक ने बदउनवानी के इल्जाम के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। और क्रिकेट में हैदराबाद में आज दोपहर 3 ODI मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को उसी सूरत में आगे ले जाया जा सकता है जब इस अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदल दिया जाए। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी की मीटिंग में वजीर आजम का अख्तितामी खिताब मुहर्रिक होने के साथ साथ एक नई राह दिखाने वाला भी है। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें। अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जनाब फडणवीस ने मजीद कहा कि जनाब मोदी ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो मोर्चे के कुछ खसूसी प्रोग्राम खासतौर पर सरहदी गांव में मुनाकिद करें ताकि उन्हें तरक्याती स्कीमों के साथ मुंसलिक किया जा सके। कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो, बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहां पर हमारी एक्टिविटी बढ़े ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहां बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर विलेजेस तक पहुंचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी कारकुनों को भी उमंगों वाले जिलों की तरक्की में अहम रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा सभी रियासतों को एक दूसरे के साथ तालमेल में इजाफा करते हुए एक दूसरे से जज्बाती तौर पर मजबूत रहना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। खेल महाकुंभ इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल मुकाबलों का इंतजाम करता है जिसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेल शामिल हैं। इनके अलावा खेल महाकुंभ के दौरान मजमून नवीसी, मुसव्वरी और रंगोली बनाने के मुकाबले भी मुनाकिद किए जाते हैं। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का इनेकाद 2021 से बस्ती हल्के से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी करते रहे हैं। इसे 2 मरहलों में मुनाकिद किया जाता है। पहले मरहले का इनेकाद पिछले साल 10 से 16 दिसंबर तक किया गया था और दूसरे मरहले का इनेकाद आज शुरू हो रहा है और यह 28 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हमारे नामनिगार से बात करते हुए बस्ती के रुकन पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ने कहा कि खेल महाकुंभ के मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 लाख तलबा और नौजवान ने हिस्सा लिया था और आज के प्रोग्राम में 60 से 70 हजार नौजवान और खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जी बस्ती में आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके निर्देश पर पिछले साल सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती में हुआ जिसमें 45,000 खिलाड़ी और 55,000 विद्यार्थी भाग लिए थे। इस साल हमने इसको और व्यापक बनाया और लगभग 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी बस्ती जनपद वासियों का सौभाग्य है, हमारे खिलाड़ी, विद्यार्थी, आमजन बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से ये जिस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री जी खेल महाकुंभ का आयोजन करवाने का निर्देश दिए हैं निश्चित रूप से उसमें हमको सफलता मिलेगी। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यही सांसद खेल महाकुंभ का उद्देश्य है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज मालदीव और श्रीलंका का 3 रोजा सरकारी दौरा शुरू करेंगे। मालदीव के अपने दौरे में जनाब जयशंकर सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद के साथ तबादले ख्याल करेंगे।
जनाब जयशंकर ने इससे पहले श्रीलंका का जनवरी 2021 और मार्च 2022 में दौरा किया था। अपने दौरे में जनाब जयशंकर सदर रानिल विक्रमासिंघे और वजीर आजम दिनेश गुनावर्दने से मुलाकात करेंगे। वो वजीर खारजा एमयूएम अली साबरी के साथ भारत श्रीलंका शराकतदारी के पूरे मंजरनामे और इसे सभी पहलुओं से मुस्तहकम करने के इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। कोयले की वजारत ने तिजारती मकासद के लिए कोयला कानकनी के तहत कल मजीद तीन कानों के लिए एलोकेशन अहकाम जारी किए। इन तीनों कोयला कानों की पैदावार की मजमुई सलाहियत 37 लाख टन सालाना है, जबकि अर्जियाती जखायर 15,65,70,000 टन है। इन कानों से सालाना 408 करोड़ रुपए के बकदर आमदनी का इम्कान है और इनमें 550 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इसके अलावा इन कानों से 5,000 अफराद को रोजगार भी फराहम होगा। मुल्क में नवंबर 2022 में मादनियात की पैदावार में साल 2021 के इसी महीने के मुकाबले 9.7% का इजाफा हुआ है। नवंबर 2022 के लिए कानकनी और पत्थर की कानों के शोबे की मादनियाती पैदावार का इंडेक्स 105.8 था। कानकनी की वजारत ने मुत्तला किया है कि 2022-23 में अप्रैल से नवंबर तक की मुद्दत के लिए पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 4.7% की मजमुई तरक्की दर्ज की गई है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने अहमदनगर जिले की फैक्ट्रियों के लिए गन्ने की कटाई करने वाली खातून मजदूरों की मुबैना हालत इजहार पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उसने 4 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। अहमदनगर की श्रीगोंडा तहसील की गन्ने की कई फैक्ट्रियों में गन्ना काटने वाली खातून मजदूरों की हालत इजहार से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट पर एनएचआरसी ने अज खुद कार्रवाई की है। इन खवातीन मजदूरों में 10% खवातीन हामिला हैं, लेकिन वो हुकूमत की स्कीमों में उनको दिए गए हुकूक और फायदों से बेखबर हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के सेहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज केरला के शहर तिरुवनंतपुरम में मुनाकिद होगी। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ममलकत भारती प्रवीण पवार और उमूर खारजा के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। उनके अलावा G20 के रुकन ममालिक, खसूसी तौर पर मदू किए गए ममालिक और मुतालिका बैन अलाकवामी तंजीमों के नुमाइंदे इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। इस 3 रोजा मीटिंग में सेहत से मुतालिक इमरजेंसी सूरतहाल की रोकथाम, इसके लिए तैयारी और इस सूरतहाल से निपटने की कार्रवाई, दवा साजी के शोबे में तावुन को मुस्तहकम बनाने, सेहत से मुतालिक डिजिटल इख्तरात और सभी के लिए सेहत बीमे की मदद फराहम करने के तरीकेकार पर मौजूआती मुजाकरात किए जाएंगे। क्योंकि कोविड वबा के बाद सेहत का शोबा सभी तरक्याती इंदियों का मरकज बनता जा रहा है, लिहाजा भारत आलमी सेहत मसाइल के कसीर मुल्की मैदान में गरीब मुल्कों की नुमाइंदगी में एक सरगम रोल अदा करेगा। इस मीटिंग की अहमियत इसलिए और भी ज्यादा हो गई है कि G20 एक लचकदार, जिम्मेदार और सबकी शमूलियत वाले आलमी हिफाजत सेहत को मुस्तहकम बनाने और इसे आगे ले जाने वाले सबसे अहम फोरमों में से एक बन गया है। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। दुनिया का सबसे तवील रिवर क्रूज MV गंगा विलास बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जा रहा है। वो इस वक्त बिहार में है। स्विट्जरलैंड के 32 सयाह इस सफर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कल पटना के तारीखी मकामात की सैर के बाद ये दरियाई जहाज आज सुबह सिमारिया बेगूसराय के लिए रवाना हो गया। तफसील हमारे नामनिगार से। बिहार के सियाहती शोबे के डायरेक्टर यशस्पति मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि सैयाह सिमरिया में नदी के किनारे बसे गांवों को देखने जाएंगे। पटना से वो सिमरिया जाएगा। सिमरिया में वाइसराय हाउस है, उनको देखने का प्रोग्राम है और सिमरिया के आसपास जो रूरल विलेजिंग है और मेला लगता है उसको देखना है। उसके बाद वो मुंगेर जाएगा, मुंगेर में किला का भ्रमण करेगा, योग विद्यालय का भ्रमण करेगा और उससे आगे बढ़ के वो सुल्तानगंज जाएगा, जहां आज गैवीनाथ मंदिर जो गंगा के किनारे पर है उसको लोग देखेंगे और उसके बाद जो है बटेश्वर स्थान भागलपुर जाएगा। गंगा विलास क्रूज आज रात सिमरिया में ठहरेगा और कल मुंगेर के लिए रवाना हो जाएगा। क्रूज 22 जनवरी तक बिहार में रहेगा। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस सिलसिले में तफसीलात हमारे नामनिगार से। चुरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, गंगानगर और रियासत के बाद दीगर जिले अब भी सर्द लहर की गिरफ्त में हैं।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी सर्द लहर की वजह से आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कई जिलों में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को शदीद सर्दी से कुछ राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले एक या दो दिन में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होने के इम्कान की पेशगोई की है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें उसने लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद के बिरादर निस्बती पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट अब्दुल रहमान को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की ISIL और अलकायदा पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के जरिए उसका नाम फहरिस्त में शामिल करने से LET के दहशतगर्द अब्दुल रहमान मक्की के तमाम असासे मुंजमित किए जाएंगे, उसके सफर करने पर पाबंदी लगाई जाएगी और हथियारों से मुतालिक पाबंदी आयद की जाएगी। भारत और उसके इत्तेहादियों की तरफ से बरसों की कोशिशों के बाद उसका नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। वियतनाम में सदर न्यूयन शुआन फुक ने मुल्क में जारी बदउनवानी मुखालिफ मुहिम के दौरान अपने मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है। इस बदउनवानी मुखालिफ मुहिम की बदौलत कई वजरा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इससे पहले सदर फुक के मातहत खिदमात अंजाम देने वाले दो नायब वजराए आजम अपने ओहदों से हट चुके हैं। साबिक वजीर आजम रह चुके जनाब फुक 2021 से सदर के ओहदे पर फाइज थे। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड इस घरेलू सीरीज में 3 20-20 और 3 1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेलेगा। जनूबी अफ्रीका में जारी 19 साल से कम उम्र की खवातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज बिनोनी के मकाम पर भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। शेफाली वर्मा की क्यादत वाली भारतीय टीम ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और वो 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप डी में सरफहरिस्त है। ओडिशा में जारी FIH हॉकी मर्दों के वर्ल्ड कप में कल जर्मनी और बेल्जियम के दरमियान खेला गया सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। इससे पहले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कोरिया ने जापान को 2-1 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के जरिए पाकिस्तान में सरगर्म अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, हिंदुस्तान ने लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द मक्की पर सलामती काउंसिल की पाबंदी का खैर मकदम किया। अखबारों ने बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की इख्तितामी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को भी नुमाया तौर पर जगह दी है। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, मोदी ने बीजेपी की तंजीम को मुल्क की तरक्की से जोड़ने का मंत्र दिया। वहीं इनकलाब ने इस तरह सुर्खी लगाई है कि वजीर आजम मोदी का समाज के सभी तबकात तक रसाई पर जोर। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान अखबारों ने सुर्खी के साथ शाये किया है कि मोदी हुकूमत हिन्दुस्तान को समाजी और इकतसादी तौर पर मजबूत बना रही है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह बयान सुर्खी बनाया है कि आलमी दहशतगर्दी दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को सुर्खी के साथ शाया किया है कि भारत को ग्रुप 20 की मेजबानी मुल्क की सलाहियत में इजाफे का सबूत है। इसी जिम्न में इनकलाब की एक सुर्खी के मुताबिक ग्रुप 20 इजलास में मुल्क अपनी विरासत का मुजाहरा करेगा। अखबारों ने शेयर बाजार में तेजी की खबर भी पहले सफे पर शाया की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क को अमृत काल को कर्तव्य काल में बदल कर ही आगे ले जाया जा सकता है। वजीर आजम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज दोपहर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के सेहत वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मालदीप और श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वियतनाम के सदर न्यूयन शुआन फुक ने बदउनवानी के इल्जाम के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। और क्रिकेट में हैदराबाद में आज दोपहर 3 ODI मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।